रिपोर्ट के पृष्ठ 18 पर प्रवर समिति के सदस्य के रूप में मैंने और दो मान्य सदस्यों ने अपनी असहमति व्यक्त की है। हमने असहमति व्यक्त की है स्वास्थ्य का अधिकार के परिभाषित चिकित्सालय में कम से कम 50 शैया युक्त मल्टी स्पेशलिटी के हो, स्वास्थ्य का अधिकार में शिकायत निवारण के लिए शिकायतकर्ता को मात्र एक ही विधानिक विकल्प हो। अध्यक्ष महोदय, हम एक अधिकार देने जा रहे हैं, मैंने आपत्ति क्यों की उसके कारणों को मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। हम एक वैधानिक अधिकार देने जा रहे हैं राजस्थान के 8 करोड़ लोगों को, और यह सही है कि अधिकार की बात अब की नहीं। हमारे संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार दिया, आर्टिकल 19 में वाक स्वतंत्रता का अधिकार दिया, और आर्टिकल 21 जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात कही, और इसकी व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लिव की तक की बात कही। मैं समझता हूँ कि कारणों और कथनों में आपने जिस आर्टिकल 47 की बात की, हमारे डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल सरकार के शासन का आधार क्या है, उसमें साफ ये लिखा है, मैं मंत्री महोदय आप ही ने जो आर्टिकल 47 का जिक्र किया है उसमें लिखा है ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग एंड इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। यानी मंत्री महोदय, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने का वैधानिक और संविधानिक जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। और सभापति महोदय, ये स्टेट एंट्री का ये हेल्थ विषय भी है, और मैं निवेदन करूं, अब मैं सदन का ध्यान आर्टिकल 47, राज्य अपने लोगों का पोषण स्तर जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार को अपनी प्राथमिक कर्तव्य मानेगा। अब आपने क्या कर्तव्य माना, आप अधिकार देने जा रहे हैं राइट टू हेल्थ, मैं बुनियादी तौर पर इस राइट के विरोध में नहीं हूं, पर हमें यह झुंझुना पकड़ा रहे हैं, हम अधिकार दे रहे हैं स्वास्थ्य का और अपनी स्वास्थ्य सेवाएं। सभापति महोदय, दिल दहल जाता है जब राजस्थान की उच्च स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर खबर यह निकलती है कि मेडिकल कॉलेज में जच्चा के साथ लेटा हुआ शिशु कुत्ते उठाकर ले गए। खबर यह आती है कि जब जोधपुर जैसे मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक में कुत्ते सैंपल के लिए रखे हुए ब्लड को उठाकर खून पी गए, जब खबर यह आती है कि आईसीयू के अंदर भर्ती मरीज की जो कोमा में थी उसकी पलकों को चूहे कुतर गए, और खबर जब यह आती है कि एक ही दिन के अंदर कोटा के अंदर बड़ी संख्या में शिशु दम तोड़ गए, और जो खबर यह आती है कि चिकित्सालय के अंदर लेबर रूम में नहीं गैलरी के अंदर हमारी बहन बेटी का प्रसव हो गया, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैं जो प्रस्ताव लेकर आया ये मल्टी स्पेशलिटी 25 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए। मंत्री महोदय, आप जानते हैं जो आरएमसीए राजस्थान मेडिकल प्रैक्टिशनर, सभापति महोदय मेरी जानकारी के अनुसार राजस्थान में 19,000 से ज्यादा लोग राजस्थान मेडिकल प्रैक्टिशनर में अपना रजिस्ट्रेशन करवा के हिपोक्रेट की शपथ के अनुसार राजस्थान में सेवा दे रहे, और आप इन सबको, मैंने आपसे प्रार्थना की थी आप एक्ट के अंदर, मैं आगे आपको बताऊंगा कि मैंने कहा था जो मेडिकल हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर है, और जो आपने हॉस्पिटल की परिभाषा में जो जिस दायरे के अंदर चिकित्सालयों को लिए हैं उसमें आप संशोधन करें, आप माने नहीं। आज हालत क्या है सभापति महोदय, जो हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल में मान लो, श्रीमान अच्छी तरह जानते हैं, आप तो विराजे हैं प्रशासनिक पदों पर, चिकित्सालय में आज गांव-गांव में एक डॉक्टर बैठा है, और उस डॉक्टर के पास कोई इंडोर फैसिलिटी नहीं है। सिंगल स्पेशलिटी के डॉक्टर के पास अगर कोई ट्रोमा एक्सीडेंट हो गया और कोई कहेगा मेरा अधिकार है राइट टू इलाज का अधिकार लेकर आया हूँ, तो राइट टू हेल्थ लेकर आया हूँ, तो वो क्या करेगा अगर आई के ऑप्टोलॉजी के स्पेशलिस्ट के पास अगर कोई दिल की बीमारी का आदमी चला जाएगा। इसलिए मैं कहना चाह रहा था इसकी डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल की डेफिनेशन में आप सरकारी चिकित्सालय को लो मंत्री जी, ट्रस्ट हॉस्पिटल को लो मंत्री जी, आप मेडिकल कॉलेज को लो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को लो, 50 बेडेड मल्टीपल स्पेशलिटी को लो, और जिनको आपने रियायती जमीन दी है चिकित्सालय उनको लो,
पर जिन्होंने कॉमर्शियल रेट पर जमीन खरीदी और जिसके पास सुविधा पूरी नहीं हो उसको इस दायरे में क्यों ला रहे हो? सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आज हालत क्या है? आज राजस्थान में मंत्री महोदय, आपके मैं प्रगति प्रतिवेदन में देख रहा था 2265 PHC आपकी, 760 CHC है, 215 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, राजेंद्र राठौड़ साहब इस प्रवर समिति के मेंबर थे और प्रवर समिति के मेंबर के बाबत मैं आपको 19 दिसंबर 1998 की एक रूलिंग बताता हूँ। 33 नंबर रूल नियम 33 जिसमें राजस्व मंत्री जी ने प्रस्ताव किया था कि विधेयक प्रवर समिति को भेजा जावे। इस प्रस्ताव पर शिवनाथ सिंह जी ने, जिनका नाम भी उस प्रस्तावित प्रवर समिति में था, बोलना चाहा। इस पर श्री मदन सिंह जी के द्वारा आपत्ति की जाने पर उपाध्यक्ष ने ये रूलिंग दी, नो मेंबर हु इज अ मेंबर ऑफ द सेलेक्ट कमेटी विल पार्टिसिपेट इन द डिबेट। एंड इफ ही एट ऑल wants to participate in the debate, he is free to withdraw from himself from the committee. आपको कोई अधिकार नहीं है माननीय सदस्य, 7 या 8वीं बार विधानसभा में यहाँ पर पधारे हैं तो जो नियमों के नियम है अगर उनकी भी जानकारी आपको नहीं है तो बड़ा आश्चर्य की बात है कि फिर हम छोटे लोगों को किस प्रकार से। एक मिनट प्लीज, सभापति महोदय, नहीं प्लीज 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 वन मिनट प्लीज, चूंकि माननीय, एक मिनट प्लीज। अब वो विड्रा करने वाली स्थिति तो रही नहीं चूंकि प्रवर समिति की, हाँ वो रही नहीं है, रिपोर्ट आ चुकी है। नो मेंबर हु इज अ मेंबर ऑफ द सेलेक्ट कमेटी विल पार्टिसिपेट इन द डिबेट। अरे आपके सलाह देने वाले लोग बोधे हो गए महाराज, आप इस सेलेक्ट कमेटी में मेरा नोट ऑफ डिसेंट है पेज नंबर 17 पर। माननीय प्रतिपक्ष नेता, इसमें जिसका डिसेंट नोट है, जिसका डिसेंट नोट है उसको बोलने की इजाजत दी जा सकती है, वो बोल सकते। चुपचाप। थैंक यू सभापति महोदय, इसीलिए सभापति महोदय, प्रोविजन पर डिसेंट नहीं था इनका, एक्ट प्रोविजन पर कोई डिसेंट नहीं था, जो प्रोविजन एक्ट में है ही नहीं, जो रूल्स में तय होना है उस पर इन्होंने डिसेंट दिया है, इसलिए ये बोलने के पात्र नहीं है। सभापति महोदय बोलने के पात्र नहीं है, बताइए कौन से एक्ट प्रोविजन पर आपका डिसेंट था? आपने 50 बोर्ड पर ऐतराज किया और वो एक्ट में ही नहीं, आप बताइए प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य बताइए, आप कौन सा बैठो ना इस पर ऐसे मत, माननीय सदस्य नहीं कर रहे आप प्लीज, मंत्री महोदय आपको कोई अधिकार नहीं है बोलने का, मंत्री महोदय कोई अधिकार नहीं है आपको, मंत्री महोदय मान प्लीज प्लीज, माननीय सदस्य देखिए दो बिंदुओं पर इन्होंने असहमति अपना दी थी, स्वास्थ्य का अधिकार और परिभाषित चिकित्सालय कम से कम 50 शय्यायुक्त मल्टी स्पेशलिटी के हो, नंबर टू स्वास्थ्य का अधिकार में शिकायत निवारण के लिए शिकायतकर्ता को मात्र कोई भी एक ही वैधानिक विकल्प ही उपलब्ध है, ये जो डिसेंट नोट जो इनका है उस पर बोल सकते हैं। सभापति महोदय, ओनली डिसेंट सभापति महोदय, आप जैसा तो बिल्कुल पूरे उसमें बोल रहे हैं, उन्हीं पर बोलेंगे, बोल सकते हैं, ये क्या बात है, दो बिंदुओं के अलावा नहीं बोल सकते। नो बैठिए, नो ये तो ओपन डिबेट कर रहे हैं सदस्य, सभापति महोदय इन दो बिंदुओं पर बोल सकते हैं, हम एग्री करते हैं, लेकिन ओपन डिबेट में नहीं बोल सकते। चंद आप अपनी सीट पर जाइए, आसन अपनी व्यवस्था दे रहा है, मेरी बात सुनिए माननीय मंत्री महोदय,
अपनी अपनी सीट पर जाइए, आप लोग अपनी अपनी सीट पर जाइए प्लीज, अपनी अपनी सीट पर जाइए। माननीय उपनेता प्रतिपक्ष, आपसे निवेदन है कि आप उन्हीं दो बिंदुओं पर बोलेंगे, बियॉन्ड उसके बियॉन्ड नहीं बोलेंगे। थैंक यू। सभापति महोदय, अब जब आप जैसा विद्वान बोल रहे हैं, चलो जी आओ जी, आओ ये मंत्री जी क्यों बोल रहे हैं बार बार, नहीं बोले, चलो ये बोले, ये सिखाएंगे आपको, उसको आप सिखाओगे मेरे को, प्लीज बैठिए। क्यों अंकल? माननीय मंत्री महोदय, प्लीज प्लीज, बात हो गई, आप अपनी सीट पर जाइए, बोल रहे हैं आप, बोलिए प्लीज, दो बिंदुओं पर बोलिए। हाँ हाँ, दो पर ही बोलेंगे। सभापति महोदय, अब ये देखो मुसल चंद जी, मुसल चंद, प्लीज प्लीज, इन मुसल चंदों को रोको। सभापति महोदय, क्या बोल रहे हैं, इन मुसल चंदों को रोको दीदी, इन मुसल चंदों को रोको। अभी इन्होंने जो कुछ बोला है, अगर वो दो बिंदुओं से हट करके तो उसको डिलीट करवाइएगा। इनका सुनिए प्लीज, माननीय मंत्री महोदय सुनिए, जो ये बोल रहे हैं या जो इन्होंने बोला है, उनके पूरे वर्जन को पढ़ करके और इसकी लाइट में जो आसन ने व्यवस्था दी है उससे डिसाइड कर देंगे, जो इसके बियॉन्ड होगा उसको डिलीट कर दिया जाएगा। आप जैसा विद्वान सभापति आसन पर हो तो हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हो ही नहीं सकता। बोलिए प्लीज। सभापति महोदय, मैं आपकी विद्वता से बहुत पहले से परिचित हूँ, मैं शेखावाटी का रहने वाला हूँ जहाँ से आप आते हैं। तो सभापति महोदय, मैंने जो डिसेंट नोट दिया और मैंने जो कहा कि आप स्वास्थ्य का अधिकार लेकर आओ पर नख इन दंत इन नहीं लेकर आओ, और आप सुपर स्पेशलिटी के 50 बेडेड से नीचे मत लेकर आओ, इसमें प्रति मिलने लाओ, वो मैंने इसलिए लिया सभापति महोदय कि जो मैंने कहा मंत्री महोदय, आपकी PHC CHC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज, और अभी WHO ने मापदंड बना रखे हैं कि इनमें सही तरह से स्टाफ पैटर्न क्या होना चाहिए ताकि आदमी को स्वास्थ्य का लाभ मिले, और अभी इंडियन पब्लिक हेल्थ सिस्टम आपको मालूम है, इस हेल्थ सिस्टम ने स्टेट्स के अंदर सारे राज्य देश के अंदर कितने डॉक्टर कितने पैरामेडिकल होने चाहिए, आप देख लो उस स्टेटस में आपकी कितनी PSC आती है। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, आज अपने हेल्थ सिस्टम को, जब हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत नहीं करेंगे तो हम किनके भरोसे, उन स्टेक होल्डर के भरोसे जिन पर अभी 5 मिनट पहले वाटर कैनन से, जिनको आपने, जिन चिकित्सकों को, जिनको धरती का भगवान कहते हैं, जिनको अभी भगाया। सब्जेक्ट नहीं है आपका, फिर आप बोल रहे हैं, आप फिर गलत बोल रहे हैं, फिर आपको जितना ये आज मेहरबानी करके आपने जितना अलाउ किया उससे ज्यादा नहीं बोलेंगे, ये वाटर कैनन पे और ब्लड डोनर पे बोल रहे हैं। नहीं, इनकी लिस्ट आई क्या आपके पास? सभापति महोदय माननीय, मैं सीधा हूँ, माननीय उपनेता प्रतिपक्ष देखिए, समय का भी अभाव है और आपसे पुनः निवेदन है कि आप खाली उन दो बिंदुओं पर ही बोले जिसमें आपकी असहमति, उनके बाहर मत बोले प्लीज प्लीज, उसी पर बोले जिस पर आपकी कंसेंट नहीं थी। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि आज देश के अंदर पहला राजस्थान जो राइट टू हेल्थ ला रहा है, और हम चाहते हैं कि राइट टू हेल्थ आए, पर राइट टू हेल्थ, सभापति महोदय, मैं सीधा साधा आदमी हूं, मुझे, सभापति महोदय, मेरी पहली आपत्ति सभापति महोदय, मतलब मेरे मुंह से मुझे अपने आप को मैंने सीधा साधा कहा तो इधर के सब लोग मान गए, आपको तकलीफ हो रही है, आप क्यों नहीं मानते मैं सीधा साधा नहीं हूं क्या? तो सभापति महोदय, मैं ये कह रहा था, आप
सभापति महोदय, मैं बात को सीमित करूंगा। हाँ, सीमित। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय, ये एसडीजी के गोल तय हुए थे 2020 तक, हमें जिन गोल्स पर पहुंचना था ये पूरी सूची मेरे पास है, हम कहां पहुंचे हैं। हमारी स्वास्थ्य सेवाएं खुद की अच्छी नहीं है, हम दूसरे स्टेक होल्डर के दम पर अगर ये स्वास्थ्य का अधिकार लाएंगे, और अभी आपको अगर आप स्वास्थ्य का अधिकार दे रहे हो, सबसे पहले आपने किसका अधिकार दिया? जांच का अधिकार दिया, और जांच का अधिकार भी 2013 से दिया। अब आप बता दो, पीएचसी में 166 जांचें हो रही है, सीएससी में 101 जांच हो रही है, सब डिस्ट्रिक्ट में 133 जांच हो रही है, और आपकी इस निःशुल्क दवाई योजना में 1451 दवाइयां मिल रही है, रोज अखबारों में छपता है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय, ये मुख्यमंत्री जी ने जो चिरंजीवी योजना जिसके आधार पर ये बिल लेकर आ रहे हैं, आपने इस चिरंजीवी योजना के माध्यम से, एक तरफ आप चिरंजीवी योजना के अंदर उसका प्रीमियम जमा कराते हो, सरकारी चिकित्सालय में इलाज के नाम पर वापस इंश्योरेंस कंपनी का पैसा वसूल करते हो, आपने नो लॉस नो प्रॉफिट का एक ऐसा मॉड्यूल बना दिया कि आज राजस्थान का आदमी चक्करघनी है। और आपके ट्रॉमा सेंटर, सबसे पहले कहाँ जाएगा राइट टू हेल्थ लेने वाला? ट्रॉमा सेंटर में जाएगा, 80 ट्रॉमा सेंटर है। मंत्री महोदय, मेरी चुनौती है, एक ट्रॉमा सेंटर में आज एक्सीडेंट में चला जाए, एक ट्रॉमा सेंटर में इलाज नहीं हो सकता। इसलिए मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये आप लेकर आए, निश्चित तौर पर लेकर आए, पर ये एक आप जो मैंने असमिति दी है, ये जो आपकी धारा 2F है, हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट मीन्स होल और एनी पार्ट ऑफ पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन फैसिलिटी बिल्डिंग वेयर फॉर प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट दैट इज ऑपरेटेड टू प्रोवाइड इन पेशेंट आउट पेशेंट केयर कंट्रोल बाय गवर्नमेंट और प्राइवेटली। मतलब आप सब चीज़ों को लेकर आ रहे हो, और 2G हेल्थ में, सेक्शन 2G में हेल्थ केयर प्रोवाइडर मीन्स मेडिकल डॉक्टर नर्स अदर पैरामेडिकल प्रोफिट प्रोफेशनल अदर अप्रोप्रिएटली ट्रेंड एंड क्वालिफाइड नर्स, मतलब आप इन सब को लेकर आ रहे हो। इसमें मैं निवेदन करना चाहूँगा, अब आप कहोगे कि हमें रूल्स बनाएंगे, रूल्स बनाओगे आप मूल एक्ट के अंदर इस बात को क्यों नहीं इंसर्ट करके लेकर आते, हम राइट टू हेल्थ देंगे, हमारे मेडिकल कॉलेज में सब सारे हॉस्पिटल में मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मिलेगा, हमें उन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में देंगे, हम उन हॉस्पिटल में देंगे जिनके जिन स्टेक होल्डर के उसको कॉन्फिडेंस में लेकर जो 50 बेडेड से ज़्यादा होंगे। मैं समझता हूँ ये मल्टी स्पेशलिटी अगर नहीं होगा तो निश्चित तौर पर आप ये कर नहीं पाएंगे, और इसलिए मेरा निवेदन है, डेजिग्नेटेड हेल्थ केयर सेंटर मीन्स हेल्थ केयर सेंटर और एस्टेब्लिशमेंट ऑफिशियली मार्क एंड चूजन फॉर स्पेशल पर्पज एंड रोल इंक्लूडिंग, मैं चाहता हूँ मेरा संशोधन है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पब्लिक ट्रस्ट हॉस्पिटल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हॉस्पिटल रनिंग ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल विद गवर्नमेंट हॉस्पिटल वेयर गवर्नमेंट अलॉटेड लैंड और एट सब्सिडाइज रेट, तब तो समझ में आता है। और मैं समझता हूँ कि आज इन डॉक्टरों का मेरा दूसरा एतराज, मैंने कहा भी आप इसमें सिंगल विंडो सिस्टम करो, अगर कोई कंप्लेंट आती है मल्टीपल जगह पर एक साथ कंप्लेंट जाएगी, आज मेडिकल काउंसिल में डॉक्टर की कंप्लेंट हो सकती है, कंज्यूमर कोर्ट में हो सकती है, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया उसमें हो सकती है, और ह्यूमन राइट कमीशन में हो सकती है, एक साथ 50-50 जगह पर डॉक्टर की कंप्लेंट हो जाएगी। मैं समझता हूँ आज आपकी हालत क्या है, चिरंजीवी योजना में 60% क्लेम प्राइवेट हॉस्पिटल के हैं, और मैं आपको कह रहा हूँ, और दुबे जी चौबे जी नहीं छब्बे जी नहीं बनेंगे, दुबे जी रह जाएंगे, ये डॉक्टर्स प्राइवेट डॉक्टर्स अब आपके साथ चलने वाले नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप जो कर रहे हैं निश्चित तौर पर आज ये जो आपकी स्टार्टअप योजना है चिरंजीव योजना, इसका हालत भी आप देख लें, अब प्राइवेट डॉक्टर जिसकी जमीन है भवन है इक्विपमेंट है और उसके बराबर चिरंजीव में दोनों का पैकेज बराबर है मेडिकल कॉलेज सरकारी कार इनका, इन सारी हालात में मैं फिर कहना चाहता हूँ ये जो बिल आप लेकर आए हैं इस बिल में राजनीतिक हेतु चाहे आपका हो सकता है पर इस बिल से आप जनता का भला करने वाले नहीं हो। इसलिए मेरा निवेदन है, कंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए मेरा निवेदन है आप चक्कर में मत आओ मंत्री जी, ये महानुभाव है ना गुरु घंटाल, ये आपको चक्करघनी कर देंगे और आप ऐसा ये राइट टू हेल्थ लेकर आओगे राजस्थान की जनता झांप जाओगे जहां आपका विरोध करेंगे। कर दिया घंटाल, अनपार्लियामेंट्री है सभापति महोदय, डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया गुरु घंटाल साहब, डिलीट करिए। देखिए
सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, ये गुरु घंटाल एक्सप्रेस कर दो, उपनेता प्रतिपक्ष पहले जो कहा था वो ठीक है, मूसल तो पहले कहा था वो ठीक है, डिलीट करने में क्या ऐतराज कर रहे हैं, तो कृपया गुरु घंटाल का अर्थ समझाइए। मैं बताता हूं अर्थ समझाइए। सभापति महोदय, गुरु एक ऐसा शब्द है जिसको गुरु गोविंद पे दोनों खड़े कांके लागे पांव, और गुरु सभापति महोदय घंटाल है ना साहब, ये घंटे की तरह बच्चा टन टन टन, ये इसमें सिर्फ बजने की बात होती है, ज्ञान का अभाव होता है, इसलिए आप मेरे गुरु तो हो पर घंटाल साथ में। धन्यवाद साहब, ये गुरु घंटाल के रेफरेंस में।